हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट लेसन नंबर 5 लॉन्ग डिवीजन. इन लॉन्ग डिवीजन एक्सरसाइज 5.1. इन एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 1. 14 डिवाइड बाय 7 एंड रिमाइंडर. इफ रिमाइंडर सो फाइंड आउट. सो ए 14. So you have to write like this. 14 divided by 7. यहाँ पे ऐसे दिया है तो आप इस तरह से लिख सकते हो. Now remainder. So you have to say the table of 7. 7 ones are 7. 7 twos are 14. Okay, so you got the answer. 7 twos are 14. So you have to write 7 twos are 14. Then 14 minus 14, 0. So remainder is 0. Nothing is there. Okay, remainder kuch nahi aaya. Now B. In B, 15 divided by 5. So 15 divided by 5. So now you say the table of 5. अब आप कौन सा टेबल बोलोगे? 5. 5 के टेबल में 15 आ रहा है. So 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15. Yes. So 5 3 यहाँ रखेंगे. 5 threes are. ये 5 threes are 15 है. तो 5 तो already यहाँ है. 15 यहाँ है. तो ये 3 कहाँ रखेंगे? ऊपर. तो 5 threes are जो 15 ये आया वो यहाँ नीचे. Okay. So 5 threes are 15 और माइनस करेंगे. यस 15 माइनस 15 0. सो रिमाइंडर इज 0. ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 1. इट इज इजी. डिवाइड करना है तो नथिंग इज देयर. ओके सो आई एफ आई विल डू द एफ. एफ में करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का एफ. सो हियर हाउ मच रिमाइंडर. सो फाइंड आउट एफ. ओके सो एफ इज 48 डिवाइड बाय 5. सो यू हैव टू से टेबल ऑफ 5. 5 के टेबल में 48 आ रहा है. अगर नहीं आता है तो हम एक नंबर लेस लेंगे. तो 5 वन्स आर 5, 5 टूस आर 10, 5 थ्रीस आर 15, 5 फोर्स आर 20, 5 फाइव्स आर 25, 5 सिक्स आर 30, 5 सेवन्स आर 35, 5 एट्स आर 40, 5 नाइन्स आर 45, 5 टेन्स आर 50, 50 5 टेन्स आर 50 बढ़ गया. तो नाउ 5 नाइन्स आर 45 लेंगे हम. ओके 48 तो नहीं आया बट उससे लेस नंबर हम 45 लेंगे. नाउ 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 4 0. सो रिमाइंडर यहाँ पे रहा. क्या रहा रिमाइंडर? 3. तो यह आप लिखोगे यहाँ ब्लैंक में 3. ओके यहाँ पे 3 रिमाइंडर रहा है. और ऑलवेज रिमाइंडर हैव टू लेस नंबर ऑफ डिवाइजर. डिवाइजर जो होता है ये नंबर उससे ये रिमाइंडर ऑलवेज लेस आता है. स्मॉल नंबर ही आता है. अगर बिग नंबर आता है तो कंटिन्यू आगे डिवीजन चलता है. ओके बट रिमाइंडर ऑलवेज स्मॉल नंबर आता है तो वहां हमारा डिवीजन फिनिश होता है. और दिस इज राइट आंसर. ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी आपको ऐसे दिया ये कोई क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. ओके तो हम क्या बोलेंगे? 3 का टेबल. तो 3 के टेबल में 21 जो यहाँ लिखा है वो आता है तो कौन से नंबर पे आता है? 3 वन्स आर 3, 3 टूस आर 6, 3 थ्रीस आर 9, 3 फोर्स आर 12, 3 फाइव्स आर 15, 3 सिक्स आर 18, 3 सेवन्स आर 21. तो क्या आया क्वेश्चन? 21. 3 सेवन्स आर 21. सो क्वेश्चन इज इक्वल टू 7. यस सेम वे हियर हमें ये फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम टेबल बोलेंगे. माइनस यहाँ पे 12 दिया है. 5 माइनस 3. ओके तो रिमाइंडर यहाँ 3 रहा है तो यहाँ 12 दिया है.
तो 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है वो देखेंगे, क्योंकि हम 4 यहाँ जो आएगा उससे आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं, ओके। तो 4 3 जा 12, तो हमारा क्वेश्चन आया 3, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन इज इक्वल टू 3, अंडरस्टूड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम मेथड डिवीजन, बट हियर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बोथ फाइंड आउट, ओके। सो डिवीजर इज इक्वल टू 5, डिविडेंड इज इक्वल टू 38, ओके। और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है एंड रिमाइंडर ऑल्सो फाइंड आउट। सो ऑलवेज क्या करना है, डिवीजर कहाँ आता है ये सिंबल है, डिवीजर यहाँ लिखते हैं एंड डिविडेंड यहाँ लिखते हैं, ओके। ये डिवीजर यहाँ, डिविडेंड यहाँ। नाउ डिवाइड द सम्स, अभी इजी हो गया, तो टेबल ऑफ 5, तो 5 38 के टेबल में 38 आता है, अगर नहीं आता है तो 5 से लेस, 38 से लेस नंबर लेंगे। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 हो गया, तो बढ़ गया। तो हम लेंगे 5 7 जा 35, 8 माइनस 5 3 एंड 3 माइनस 3 0, तो 5 से लेस नंबर आ गया 3, तो रिमाइंडर इज 3। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर एंड दिस इज कॉल्ड क्वोशंट, क्वोशंट आया 7, ओके। सो क्वोशंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 3, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 वन मोर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन, इन वन मोर एग्जांपल सी, डिवीजर 8 एंड डिविडेंड 71, 71 डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो टेबल ऑफ 8, 8 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। तो 8 9 जा 72 बढ़ गया 71 से, तो 8 8 जा लेंगे 64, सो माइनस 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 11, और हियर 6, 11 माइनस 4, 11 में से 4 जाएगा तो 7। सो हियर दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर, ओके। सो आंसर क्वोशंट इज इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, तो कंप्लीट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मिसिंग नंबर्स, यहां पे मिसिंग नंबर लिखने हैं, ओके। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 डिवीजर इज इक्वल टू 2, डिविडेंड इज इक्वल टू 9, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, सो क्वोशंट फाइंड आउट, ओके। ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको डिविजर दिया है, तो 2 लिखेंगे यहाँ डिविजर, डिविडेंड 9, रिमाइंडर 1 रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या है, ओके। तो 2 का टेबल बढ़ेंगे, 2 4 जा 8 आएगा, तो यहाँ 1 रहेगा, तो 2 4 जा, तो क्वेश्चन क्या आया 4, सो दिस इज द आंसर 4, ओके। नाउ बी, इन बी डिविजर 7, डिविडेंड 51, 7 ये 51, ओके। सो हियर डिविजर 7, डिविडेंड 51, ओके। रिमाइंडर फाइंड आउट एंड क्वेश्चन 7 दिया है, ओके। सो 7 डिविजर, 51 डिविडेंड, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन 7 दिया है, तो हमें कुछ करना नहीं है। 7 7 जब क्या आएगा 49, तो 49 हमें लिख देना है, और देन
Find out the remainder. 11 minus 9, 10, 11, 2. So remainder is 2. Okay, this is remainder. Already given the quotient to 7, 7 जा जो आता है वो यहाँ direct लिख लेंगे और इसमें से minus कर लेंगे. तो हमें remainder मिल जाएगा. Now question number 4 also complete yourself. Exercise 5.1 complete here. Now see you next time. Continue with exercise 5.2. Okay, bye bye.